मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जून से पहले मॉनसून के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 15 जून तक आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि से पिछले सालों में क्या चुनौतियां सामने आई और किन किन क्षेत्रों में अधिक आपदाएं आई, साथ ही इसके लिए हमने क्या प्लान तैयार किया है, इसका पूरा एक्शन प्लान प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी लोगों तक समय पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों में ऐसे क्षेत्र जहां भूस्खलन की समस्याएं रहती हैं, उन्हें चिन्हित कर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं करवाने की आवश्यकता है समय पर की जाए। मॉनसून के दृष्टिगत पर्वतीय जनपदों में आवश्यक दवाओं, खाद्य सामग्री और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में रखी जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा के दृष्टिगत त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी रखी जाए। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अल्मोड़ा जनपद के सरिया पानी में SDRF बटालियन खोलने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। हमारे लिए एक चुनौती जैसा होता है क्योंकि किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहां भी जरूरत हो उससे पहले से जो तैयारियां करनी है वो सब तैयारियों के लिए कि कहीं जहां साफ सफाई होनी है साफ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीज़ें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी खुलें क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से क्योंकि यह है कि कहीं मार्ग ज़्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो, तो इन सब विषयों पर बात करें।